ओके सो येट अगेन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फाइनल देर इज समथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया कि उनको गिव अप करना नहीं आता देर इज समथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया उनको पता है कि प्रेशर में कैसे आगे आना है मतलब यार दैस उनके पास इतने सारे टाइटल्स हैं आप चाहे मेन्स टीम देख लो वुमेन टीम देख लो वो चोक नहीं करते हैं लास्ट तक दे डोंट गिव अप सोलह रन चाहिए थे जब लास्ट विकेट बच रही थी एंड पाकिस्तान बॉलिंग अटैक वॉज ह्यूमिलेटिंग देम और नहीं लग रहा था कि वो कब कर पाएंगे मतलब अगर आप लोग मैच देख रहे थे तो एक पॉइंट पर ऑस्ट्रेलिया का मैच था बट पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम को 200 रन नहीं बनाने दिए हैं तो यही सोचकर बस लग रहा था कि नहीं भाई 179 नहीं चेस कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया बिकॉज पाकिस्तान काफी स्ट्रांग है अपनी बॉलिंग में अगर आप बॉलिंग कार्ड भी देखोगे तो सबसे ज्यादा मोहम्मद जशान ने हैं और उनके पास ही लास्ट ओवर था कहीं ना कहीं ये था कि शायद जशान को लास्ट ओवर नहीं देना था जिशान ने छे ओवर में सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव इकोनॉमीज रन दिए चालीस रन दे दिए उसके अलावा अली रजा ब्रिलियंट बॉलिंग यार पंद्रह साल का लड़का है दस ओवर में चार विकेट लेता है एंड जितनी बात हो रही थी ना उबैद उबैद शाह शाह उबेद, उबे, उबेद विकेट नहीं मिली एक ही विकेट मिला है लेकिन जितनी उबैद उबैद शाह शाह की बात हो रही थी अली रजा के इस दस ओवर के स्पेल ने कंप्लीटली ओवर कर दिया उबैद शाह को और मतलब ही वॉज द मैन हालांकि बैटिंग अगर आप देखोगे दोनों तरफ से सेम हुई बैटिंग इधर से भी आपको एक फिफ्टी टू आया अराफात और अजान का जो पार्टनरशिप थी उसी ने पाकिस्तान को एक पॉइंट पर लेके आए जहां से ये लोगों ने सोचा कि हाँ भाई आप कुछ कर सकते हैं वरना आप देखोगे आठ लोग ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट पे गए हैं तीन चार आठ नौ छे लेकिन अब आप फिर पलट के ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखो तो यहाँ पे कुछ बहुत बवाल नहीं है यहाँ भी आपको uh, हैरी डेक्सन ने 50 करे और उसके बाद ओलिवर पीक ने 49 करे वरना यहाँ पे स्कोर कुछ वैसे ही बट इट्स ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नोज हाउ टू कम बैक एंड अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है और उस हार का अभी हम भू, हम भूले भी नहीं वी स्टिल से इट्स ऑन अंडर 19 बॉयज अगर यहाँ पर इफ यू विन तो हम कह सकते हैं कि बदला पूरा हो गया क्योंकि अभी भी दिल में वो चोट है सो इफ अंडर 19 बॉयज कैन डू इट देन इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग लेकिन मैं आपको बता दू संडेज हैज नॉट बीन गुड फॉर इंडियन पीपल क्योंकि हम बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट संडे को हारे इट्स जस्ट इट्स जस्ट यू नो इट्स जस्ट हेयर आपको कोई मैटर नहीं कर रहा है इस बात से बट स्टिल हम वर्ल्ड कप संडे को हारे हैं हम इससे पहले डब्ल्यू टी सी और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं जो हम संडे को हारे हैं सो आई जस्ट होप कि ये संडे हमारा अच्छा रहे और उधर से आवाज ना आए कि पड़ोसी संडे संडे कैसा रहा जस्ट होपिंग संडे अच्छा रहे और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था रिजल्ट वो ना हो बाकी जो होना है वो इतना थ्रिलिंग मैच भी अगर होना है वी आर अप फॉर दैट जस्ट रिजल्ट डिफरेंट हो रिजल्ट हमारे साइड हो आज ये ऑस्ट्रेलिया नहीं बट हाँ आज ये येलो जर्सी पहन करके बैठा हुआ हूँ आई स्टिल हैव दैट इंडिया जर्सी इन माई क्लाजेट आई वॉन्ट टू व्यव दैट ऑन संडे एंड आई होप के इंडिया विन्स एंड ब्रिंग इट होम लेट्स फिंगर स्कलॉट वट यू थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया कौन जीतेगा रेबीनो